सलाम अलैकुम, वेलकम बैक। एक नए टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं। एक हमारा जो नया टॉपिक है इस वीडियो का वो है टेबल्स। तो टेबल्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है उन टेबल्स का, क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर डेटा जो है वो टेबुलर फॉर्म में होता है, और मोस्टली जब हम टेबुलर फॉर्म में डेटा प्रेजेंट करते हैं तो वो एक प्रिसाइज मीनिंग भी देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक बड़ी सर्वे भी करते हैं लेकिन उसका जो आउटपुट रिजल्ट हम टेबुलर फॉर्म में देते हैं। टेबुलर फॉर्म इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन के जो डेटा या रिजल्ट हम प्रेजेंट करते हैं टेबुलर फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि टेबल्स जनरल इंफॉर्मेशन में, जनरल डेटा में हमें बहुत काम आते हैं, तो HTML के पास भी ओबियसली टेबल्स के लिए बहुत टैग्स है, ठीक है। इनफैक्ट टेबल्स पे बहुत ज़्यादा काम होता है, ठीक है। तो टेबल्स के जो बेसिक टैग है वो है टेबल, ठीक है। तो टेबल ओबियसली क्लोज भी करना होता है, ठीक है। तो व्हेन वी define this tag, तो table एक create होता है with no rows and no columns, because we know table में क्या होता है, एक rows होते हैं, columns होते हैं, ठीक है। We have rows and we have columns. So जब हमने table create किया, ठीक है, फिर हम rows create करते हैं। तो rows कैसे create करते हैं? Rows हम create करते हैं table row से, ठीक है, close भी करते हैं table row। फिर जब tr हमने लिखा, tr का मतलब table row, फिर इस table row में, इस row में जो हमने एक row हमने बनाया, अब बोल दें कि इसमें कितने कॉलम होंगे, तो कॉलम हम डिफाइन करते हैं td से, टेबल डेटा, ठीक है। तो जितने भी कॉलम होंगे, जितने हमें कॉलम या एट्रीब्यूट्स हम बोलेंगे उनको, तो जितने हमें चाहिए, जितने हमें एक रो में एट्रीब्यूट चाहिए, सपोज मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, ठीक है, फिर मैं एक और td लिखूंगा, ठीक है, तो बस मैं 2, मैं फिलहाल डमी डेटा लिख रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 सपोज 3। तो मैंने बता दिया कि मेरे पास एक टेबल है, उसके उसमें एक रो है, उस रो के अंदर 3 जो है मेरे पास टेबल्स है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा टेबल है जिसमें 3 एक रो है और 3 कॉलम्स है। तो अगर हम इसको यहाँ पे देखें आउटपुट इसका, तो वी आई गॉट दिस 1, 2, 3 इन अ लाइन, ठीक है। बट यहाँ पे मैं अभी देख रहा हूँ कि बाहर कुछ भी नहीं, मुझे टेबल सा तो लग नहीं रहा है। एक्चुअल में HTML5 आने से क्या हुआ कि इसकी जो बॉर्डर होती है बाई डिफॉल्ट नहीं आती है नए ब्राउजर्स में। तो हम यहाँ पे बॉर्डर लिखेंगे 1, यानी एक पिक्सल की बॉर्डर हमें चाहिए टेबल में, प्रॉपर्टीज में बॉर्डर इज इक्वल टू 1। अब हम इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पर हमें मिला कुछ टेबल है, ठीक है। अब मैं एक और सपोज एक और रो क्रिएट करूंगा TR से, उसमें एक 3 और कॉलम्स, सपोज अब मैं डेटा लिखता हूँ इनमें ए एंड आई कैन राइट हियर बी एंड आई कैन राइट हियर सी, ठीक है। तो मैंने एक और टेबल रो क्रिएट किया TR से, ठीक है। तो जो ही मैंने पहला टेबल रो क्लोज किया था, उसके बाद दूसरा टेबल रो और उसमें 3 कॉलम्स फिर से टेबल डेटा यूज करके, यानी TD टैग यूज करके मैंने फिर से एक और रो क्रिएट किया और 3 कॉलम्स क्रिएट किए। तो अब ये मुझे टेबल जैसा कुछ लग रहा है, तो टेबल जैसा कुछ लग रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैं बहुत सारे रोज और बहुत सारे कॉलम्स जो है क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर सपोज मुझे इनका ऊपर में मुझे इनको बता देना है कि कोई जो है कोई ऊपर की हेडिंग कुछ देनी है, ठीक है, हेडिंग देनी है। तो हेडिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक टेबल रो क्रिएट करता हूँ, ओके। टेबल रो क्रिएट करने के बाद ये एक टेबल रो, ठीक है, मैं इसमें टैग एक यूज करता हूँ टेबल हेड TH, टी डेटा नहीं, टी डी नहीं, टेबल हेड TH। सपोज मैं लिखूंगा है 1 TH क्लोज, ठीक है। तो ऐसे ही मैं 3 मैं 3 हेड्स इसकी डिफाइन करता हूँ, ठीक है। तो मैंने 3 टेबल हेड्स, यानी 3 कॉलम्स, एक रो 3 कॉलम, लेकिन वो टेबल हेड्स, टेबल डेटा नहीं, TH यूज करके, सॉरी टेबल हेड, यहां से भी TH, TH टेबल हेड, ठीक है। तो मैं जो ही इसको रिफ्रेश करूंगा, मुझे यहाँ पे ऊपर ये बोल्ड फॉर्म में मुझे 1 जो है 1 ओ एन ई 1 टी डब्ल्यू ओ 2 टी एच और ई 3, तो ये बोल्ड लाइन में मुझे आए, बोल्ड में आए, तो ये हेडिंग बन गई इसकी, हेडिंग। सपोज ये डिफाइन कर रहे हैं कि मैं इनके नीचे क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एक सिंपल है टेबल की, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एक रो क्रिएट करते हैं, कैसे कॉलम्स क्रिएट करते हैं।
ठीक है। हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं टेबल्स के, टेबल्स के साथ हम और भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम एक ऑप्शन है हमारे पास स्पैन करने की, ठीक है। तो स्पैन, जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल सा ऑप्शन आपको दिखाऊंगा स्पैन करने की। सपोज मैं बोलता हूँ ये जो ये दूसरा मैंने एक और किया, सपोज डी एफ, ठीक है, मेरे पास ये आ गई टेबल। अब मैं क्या मेरा क्या यहाँ पे एक मकसद है कि मैं चाहता हूँ ये जो ये ई है, असल में ये ई यहाँ पर है, ये ई दोनों डिफाइन करता है, ये दो कॉलम्स, ये दो कॉलम्स जो है दोनों डिफाइन करता है। यानी ये एफ डेटा मेरे पास है नहीं, ये एफ मेरे पास डेटा है नहीं, मेरे पास खाली ई डेटा है, और मुझे इस कॉलम को यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी दो दो जगह की स्पेस लेनी है। इस ई को मैं चाहता हूँ ये दो दो की स्पेस ले ले, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले इस एफ को हटाऊंगा, ठीक है, फिर इस टेबल, और फिर मैं इसमें लिखूंगा कॉल स्पैन, यानी कॉलम जो है स्पैन हो रहा है, ये एक ज्यादा स्पेस ले रहा है। कितनों की स्पेस ले रहा है, दो जगह दो की स्पेस ले रहा है, ठीक है। मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा, मैंने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो है ये कॉलम, ये जो कॉलम है ये बढ़ता बढ़ता यहाँ तक गया, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास और भी ऑप्शंस है, जैसे सपोज मेरे पास एक और ऑप्शन है हो सकती है, मैं यहाँ पे फिर से ये टेबल डेटा लिखता हूँ, टेबल डेटा मैं फिर से लिखता हूँ, ठीक है। अब एक और ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं रो स्पैन। अब रो स्पैन क्या होता है, सपोज ये ए जो है, ये ए ये असल में ये दो रोज को डिफाइन करता है, ठीक है। ये ए जो है ये इन दो रोज को डिफाइन करता है, यानी इस वाले रो को भी डिफाइन कर रहा है और इस वाले रो को भी डिफाइन कर रहा है। अब अगर ये काम करना हो हमें, तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है कॉल्ड एज रो स्पैन। तो वो रो स्पैन कैसे करते हैं, ठीक है। इस ए को मुझे दो चीजों में डिवाइड करने में, डी में भी डिवाइड करना, तो मैं डी हटा देता हूँ, और ये जो ए है इसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉरी रो स्पैन इज इक्वल टू, ठीक है। तो इस ए को मैंने नीचे भी कर दिया, अब रो स्पैन लिख के, और नीचे का जो मैंने पहला था डी वो मैंने हटा दिया। तो अब मैंने जब इसका देखा, इसका जो आउटपुट मुझे मिला वैसे ही मिला, ये ए जो है इन द मिडल आ गया, तो ये ए एक्चुअली इन दोनों कॉल रोज के लिए एक ही है। तो ये चीजें हम डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हम कोई मार्कशीट डिफाइन करते हैं तो वहां पर टोटल होता है, तो टोटल फिर पूरा स्पैन हो जाता है, या कोई एक या किसी में प्रैक्टिकल पार्ट नहीं होता तो वो एक ही थ्योरी पार्ट ही होता है, या किसी में थ्योरी पार्ट होता है, ऑल दैट थिंग, या बहुत सी बाकी जगहों पर ऐसी जो चीजें हैं हमारे बहुत सारे काम आ जाती हैं। अब टेबल में कुछ और इम्पोर्टेंट जो चीजें हमें याद रखनी है, लाइक दिस इज, ये इसकी बॉर्डर है, ये तो पता ही है टेबल बॉर्डर है, ठीक है, ये हमारे पास बॉर्डर है इसकी। एक और हमारे पास चीज है, अब ये जो एक 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 टेबल है, एक एक डेटा है, इसको हम बोलते हैं सेल, एक एक सेल, ये एक एक सेल है, ठीक है। अब ये जो सेल में ये डेटा है, इस डेटा और इस सेल के दरमियान कितना डिस्टेंस है, चाहे यहाँ से यहाँ से यहाँ से या यहाँ से, तो चार तरफ से इसी डिस्टेंस है कुछ, इसको बोलते हैं पैडिंग, सेल पैडिंग। सो सेल पैडिंग इज डिस्टेंस बिटवीन द सेल डेटा एंड इट इज सेल वॉल, चाहे राइट से हो, लेफ्ट से हो, दाई ऊपर से नीचे से, ठीक है, फोर चार जगहों से इसकी जो डिस्टेंस है इट्स कॉल्ड एज सेल पैडिंग। वी हैव अनदर थिंग कॉल्ड एज सेल स्पेसिंग। तो वो डिफरेंट बिटवीन टू सेल, इस सेल और इस सेल, या इस सेल और इस सेल के दरमियान जो ये स्पेस है, तो इस स्पेस को हम बोलते हैं सेल स्पेसिंग, ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग, जो बहुत ही काम आती है हमारे, ठीक है, या इन पे जो आगे हम सीएसएस में देखेंगे बहुत सारा काम करेंगे।